हे गाइस, एक और पीस यहाँ पर रेडी है एंड ये पूरा पीसी जो कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है 25,000 रुपए, 25K का पीसी बिल्ड होने वाला है एंड ऑलराउंडर पीसी यहाँ पर रहने वाला है। गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, तीनों चीजें बड़े आराम से करा देता है। तो भाई पीसी बहुत हमने जबरदस्त बनाया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वापस आते अपने वीडियो पर एंड ऑलराउंडर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सिनेमैटिक शॉट तो आपने देख लिए होंगे, बहुत जबरदस्त पीसी है। दिखने में जितना अच्छा है ना, उससे ज्यादा इसकी रॉ परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रोसेसर यूज कराया ना, मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा। 25,000 रुपए में राइजन 5 5600G, 4GB का ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट हमने यहाँ पर रखा है। अब देखो मैं बात करूंगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसी देता है। मैंने इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5, PUBG, वैलोरेंट ऐसे गेम चलाया, तो बहुत अच्छे चलते हैं, तो मतलब गेमिंग में तो बढ़िया है। एंड अगर बात की जाए एडिटिंग पर्पस, Adobe Premiere Pro, Filmora, After Effects, Photoshop, ऐसे अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने हो, इवन आपको 4K तक की वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो उसको भी बड़ा आराम से करा देगा ये पीसी। अच्छा, ये तो 25,000 रुपए का पीसी है, ये पीसी भी कैश ऑन डिलीवरी पर जा रहा है। मतलब होते हैं ना कि भैया हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि क्या पैसा एडवांस करना ठीक होगा, कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं होगा, जो चीजें भूली गई है वो चीज हमें मिलेगी। देखो जो चीज मैंने बताई है ना, क्लेम करे चाहे प्राइस हो या पार्ट हो, वही चीज आपको मिलने वाली है एंड कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, चाहे सिटी हो, गाँव हो या कैसी भी जगह हो, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। और कुछ जगहों पर ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको हमारे सेल्स टीम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। बाकी चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कवर करते हैं करके कॉम्पोनेंट। तो सबसे पहले निकालते हैं हम अपनी हाईलाइट चीज जो कि रहने वाला हमारा प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने यूज करा है राइजन 5 5600G, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है इनबिल्ट, इसके अंदर 4GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि इतना पावरफुल है जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आप उस पर आराम से गेमिंग और एडिटिंग बहुत अच्छे से करा देगा। जैसा ये प्रोसेसर है वैसी हमारी कमाल की प्राइसिंग भी है, जो कि है 9,500 रुपए। तो 9,500 रुपए का प्रोसेसर रहने वाला है। एंड हाँ, ऑनलाइन जरूर चेक करना 5600G क्या आपको 9,500 का देखने को मिलता है, हमारे पास तो देखने को मिलता है। चलिए प्रोसेसर की यहाँ पर बात हो चुकी है, कंटिन्यू करते हैं। भाई देखो, कमाल का प्रोसेसर तो हमने लगा दिया है, अब कमाल का बोर्ड भी होना चाहिए। तो कमाल का बोर्ड हमने यहाँ पर रखा है ASRock B450 HDB। और इस मदरबोर्ड की देखो खासियत पता है क्या है, एक तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पर लिखा है 5000 रेडी टू गो, मतलब AMD के जो अपग्रेडेड मॉडल आ रहे, जो जैसे ये हो गया, ये 4600G है, 5600X लगाना है, Ryzen 7 लगाना हो, Ryzen 9, ऐसे प्रोसेसर आप लगा सकते हो। इन शॉर्ट फ्यूचर अपग्रेड का ऑप्शन काफी अच्छा इसमें ऑप्शन मिलता है मदरबोर्ड में। एंड ASRock 3 साल की वारंटी के साथ आता है एंड B450 एक बहुत अच्छा चिपसेट है, जो कि इस प्रोसेसर को, मतलब ये 5600G को बहुत अच्छे से स्मूथली से चला देगा। एंड देखा जाए थोड़ी सी बेसिक मदरबोर्ड है, 2 RAM स्लॉट देखने मिलते हैं, NVMe का स्लॉट देखने मिलता है एंड इस मीडियम साइज मदरबोर्ड है। एंड उतनी कमाल की इसकी प्राइस है 6,200 रुपए, ASRock B450 HDB। चलिए मदरबोर्ड तो यहाँ पर बात हो चुकी है, थोड़ा सा उस चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारी रहती है परफॉर्मेंस, जो कि हमारी रैम। तो रैम हमने यहाँ पर यूज करी है T4 की 8G 3200 MHz एंड प्राइस 1,850 रुपए। एंड स्टोरेज यहाँ पर हमने यूज करा है कंसिस्टेंट 512 GB NVMe, प्राइस 2,850 रुपए, 5-year वारंटी, स्पीड काफी अच्छी होती है इसमें कंसिस्टेंट की, XPG भी ले सकते हो, सेम प्राइस है, डिपेंड ऑन योर। और हाँ, WD के जो SN570 आते हैं वो भी सेम 2,850 रुपए, डिपेंड करता है आपको कौन सी पसंद है। स्टोरेज रैम यहाँ पर हो चुकी है, अब आती है हमारी पावर सप्लाई। तो यार देखो, एक चीज मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा, जो लोग कम बजट पर रहते हैं ना, वो पावर सप्लाई में थोड़ा सा कर जाते हैं गलती, जो कि मैं बताऊं, जैसे ये हमने यहाँ पर यूज करे GigaWatt 450W 80+ ब्रोन सर्टिफाइड, कुछ पावर सप्लाई आते हैं जैसे एंटी स्पोर्ट्स की या एंटेक की आइटम, वो 80+ ब्रोन सर्टिफाइड नहीं होती है। जैसे 80+ ब्रोन सर्टिफाइड यहाँ पर लिखा है ना, वो 80+ नहीं होती है। उसके कारण क्या होता है, अगर आप गाँव में रहते हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़े से ऊपर या नीचे, जैसे बोलते हैं ना भैया तेज आ गई या फिर काम डिम आ गई, तो उसमें आपके अप्लायंस फूक जाते हैं, तो पीसी के पार्ट भी फूकने का चांस रहता है, या फिर पावर सप्लाई के फूकने का चांस रहता है। पावर सप्लाई कोई भी हो, सस्ती हो, कैसी भी हो, एटलीस्ट 80+ ब्रोन सर्टिफाइड वो रेटिंग होनी ही चाहिए। तो वही हमने यूज कराया यहाँ पर,
गीगाबाइट 450 एटी प्लस बूम सर्टिफाइड रेटिंग पावर सप्लाई यूज करिए, प्राइस 2500 रुपए, थोड़ी सी महंगी है लेकिन चीज बढ़िया है, कॉम्प्रोमाइज करो लेकिन इन चीजों पे मत करो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर कंपोनेंट यूज करा है ना, ऐसे प्यारे हमने यहाँ पर कैबिनेट भी यूज करा है 25,000 रुपए बजट में। मैंने जो देखा है कई बार लोग मतलब पार्ट अच्छे ले लेते हैं लेकिन कैबिनेट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ बजट। भाई 25,000 रुपए में आप देख सकते हो, तो 3 फैन फ्रंट की साइड यहाँ पर होने वाला है, ऐसा मैंने कैबिनेट सेलेक्ट करा है। मॉडल नंबर मैं जरूर बताना चाहूंगा, एनटेक AX20, 3 फैन फ्रंट की साइड देखने को मिलता है, साइड में टेम्पर देखने को मिलता है एंड प्राइस 3,250 रुपए। यही चीज, यही मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट से वो खरीदने का देखो तो सही, और मौका तो दो हमें। प्राइजेस के साथ साथ सर्विस भी हमारी कमाल की है, एक सर्विस की शॉर्ट्स अगर आ गई है तो अच्छी बात है, वरना आने वाली है मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारे यहाँ सर्विस कैसे मिलती है। बाकी पीसी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, पूरा पीसी ओवरऑल कंप्लीट हुआ है, 25,000 रुपए 100-200 आगे पीछे होगा, बट ये पीसी हमने रेडी करा है एंड कमल भाई का रहने वाला है, लखनऊ के रहने वाले हैं तो वहां ये पीसी जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं करते खत्म। अगर आपको ऐसा पीसी लेना हो हमारी वेबसाइट Tech7 भाई जानते हो क्या ही देना है, इसमें डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। इवन अगर आपको कोटेशन लेने हो, कुछ जानकारी चाहिए इसी पीसी के बारे में तो हमारे सेल्स टीम में नंबर नीचे फ्लैश हो रहे होंगे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड वेबसाइट का लिंक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करें। वीडियो में खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। एंड हाँ मुझे बताओ यार ये पीस आपको कैसा लगा। भाई केबल मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छे से करी है, सारे बॉक्सेज हम शिप करते हैं अच्छे से बबल रैप करके शिप करते हैं। पीसी जब तक आप हो या कोई कस्टमर हो जब तक सही सलामत नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी जिम्मेदारी होती है। तो भाई लोग कहते हैं ना बेचने के बाद काम खत्म होता है, मेरा कहना है बेचने के बाद काम स्टार्ट होता है। तो अगर आप भी इस बात से सहमत करते हो तो कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों में जिनको बनवाना है पीसी एंड ऐसी वीडियो चैनल पर आती रहेगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।